हाय एवरीवन, मैं आई एम निकिता। सो मैंने मिसाकी 1 ईयर बिफोर ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे मेरा जो स्टेमिना था, जो मेरे अंदर लाइक स्ट्रेंथ थी, बहुत कम थी। मैं बहुत जल्दी थक जाती थी और मेरे से एक्चुअली मैं आई यूज टू वॉक अलॉट, बट वॉक से भी आई एम नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट। 1 ईयर बिफोर मैंने मिसाकी ज्वाइन किया और मैंने स्टार्ट किया नीतू के साथ वर्कआउट करना। नीतू ने बहुत पर्सनली कुछ एडवाइस भी दी। सो मैंने उस टाइम पे आई वॉज 72, तो 1 मंथ मेरे साथ ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी वेट रिड्यूस नहीं कर पाई 1 मंथ में। दैट टाइम मैं बड़ी स्ट्रेस में हो गई थी कि पता नहीं अब क्यों नहीं वेट लूज हो रहा, अब क्यों नहीं हो रहा करके। और उस टाइम पे मेरे जो भी विटामिन डी, विटामिन 12 लेवल थे, वो भी नॉर्मल हो चुके थे। तो तब नीतू ने मुझे शी मेक मी रियलाइज दैट सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग तरीके से काम करती है। तो उस टाइम पे उसने मुझे समझाया, बोला थोड़ा टाइम दो अपनी बॉडी को और कंसिस्टेंट रहो। जो तुम कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको ब्रेक दे के करते हो या आप कुछ चीज़ फॉलो करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो वो हमको पता नहीं चलता है वो हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। सो येस, आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक्स टू नीतू। उसने बड़ा मुझे पुश किया कि करो, हो जाएगा, टाइम दो, होगा, बट ट्रस्ट करो अपने प्रोसेस को जो तुम कर रहे हो और कंसिस्टेंट रहो। तो आई रियली वॉन्ट टू थैंक हर कि उसने मुझे इस जर्नी में हेल्प किया। और अभी मैं 8 kg लूज कर चुकी हूँ वेट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है आई कैन वेयर एनीथिंग व्हाट आई वांट। सो या, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे अंदर जो वीकनेस थी, एक जो मुझे बहुत ही लो लगता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उतनी एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, बट वो मुझे दिखता है अब अपनी बॉडी में कि मैं एक्टिवली कर रही हूँ या मैं एक्टिव हूँ चीज़ों में। इवन वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो घर के नॉर्मल काम हो, मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, तो वो अब मुझे दिख रहा है कि हाँ, मैं घर आके भी मैं आई डोंट वांट टू सिट। मेरे को लगता है कि मैं ये फटाफट सब ख़त्म कर दूँ या मैं जो कर रही हूँ मैं उसको करती रहूँ। तो वो स्टेमिना भी जो मेरे अंदर बिल्ट हुआ है ये एक्सरसाइजेस करके और नीतू के सपोर्ट से, सो आई थिंक वो मुझे दिख रहा है और वो मेरे वेट लॉस में भी दिख ही रहा है। सो आई रियली रियली वॉन्ट टू से थैंक्स टू नीतू एंड मिसाकी कि मैंने उन्हें ज्वाइन किया और उनकी वजह से मैं आज अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट, थोड़ा क्या, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच नीतू एंड थैंक यू सो मच मिसाकी। मेरे अंदर जो वीकनेस थी, एक जो मुझे बहुत ही लो लगता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उतनी एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, बट वो मुझे दिखता है अब अपनी बॉडी में कि मैं एक्टिवली कर रही हूँ या मैं एक्टिव हूँ चीज़ों में। इवन वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो घर के नॉर्मल काम हो, मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, तो वो अब मुझे दिख रहा है कि हाँ, मैं घर आके भी मैं आई डोंट वांट टू सिट। मेरे को लगता है कि मैं ये फटाफट सब ख़त्म कर दूँ या मैं जो कर रही हूँ मैं उसको करती रहूँ। तो वो स्टेमिना भी जो मेरे अंदर बिल्ट हुआ है ये एक्सरसाइजेस करके और नीतू के सपोर्ट से, सो आई थिंक वो मुझे दिख रहा है और वो मेरे वेट लॉस में भी दिख ही रहा है। सो आई रियली रियली वॉन्ट टू से थैंक्स टू नीतू एंड मिसाकी कि मैंने उन्हें ज्वाइन किया और उनकी वजह से मैं आज अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट, थोड़ा क्या, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच नीतू एंड थैंक यू सो मच मिसाकी।